व्याख्यान 11 स्वप्न तंत्र। स्वप्न सेंसरशिप और प्रतीकात्मक निरूपण से को पूरी तरह समझ लेने के बाद भी आप स्वप्न विपर्यास का रहस्य पूरी तरह नहीं समझ सके, फिर भी अब आप अधिकतर स्वप्नों को समझ सकने की स्थिति में हो गए हैं। स्वप्नों को समझने के लिए आप दो परस्पर सहायक विधियों का प्रयोग करेंगे। आप स्वप्न दृष्टा के सहचर्यों का पता लगाते लगाते स्थानापन्न से उस असली विचार पर पहुंचेंगे जिसका वह सूचक है, और प्रतीकों का अर्थ आप इस विषय की जानकारी से प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम में पैदा होने वाले कुछ संदिग्ध प्रश्नों की चर्चा हम बाद में करेंगे। अब हम फिर उसी विषय पर आते हैं जिसे हमने स्वप्न अवयवों और उनके आधारभूत असली विचारों के संबंधों का अध्ययन करते हुए अधूरे साधनों के कारण छोड़ दिया था। तब हमने चार मुख्य संबंध बताए थे, संपूर्ण की जगह एक अंश का आ जाना, संकेत या अस्पष्ट निर्देश, प्रतीकात्मक संबंध और सुघट्य शब्द निरूपण प्रतिबिंब। अब हम अपनी व्यक्त स्वप्न वस्तु की तुलना अपने निर्वचन से प्रस्तुत हुए गुप्त स्वप्न से करेंगे और इस प्रकार इस विषय पर जरा बड़े पैमाने पर विचार करेंगे। इससे मुझे आशा है कि अब आपको इन दोनों वस्तुओं के पृथक स्वरूपों के बारे में कोई भ्रम ना होगा। यदि आप उन दोनों में भेद कर सकते हो तो स्वप्न को समझने की दिशा में आप संभवतः उन सब लोगों से आगे बढ़ गए हैं जिन्होंने मेरी पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स स्वप्नों का निर्वचन पढ़ी है। मैं आपको यह फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि जिस प्रक्रम से गुप्त स्वप्न को व्यक्त स्वप्न में बदला जाता है उसे स्वप्न तंत्र कहते हैं, और इससे उल्टे प्रक्रम को जो व्यक्त स्वप्न से गुप्त विचार की ओर बढ़ता है निर्वचन या अर्थ लगाना कहते हैं। इसलिए निर्वचन का उद्देश्य स्वप्न तंत्र को खत्म करना है। शास्त्रीय ढंग के स्वप्नों में जिनमें स्पष्ट इच्छा पूर्तियां आसानी से पहचानी जाती हैं, फिर भी स्वप्न तंत्र का प्रक्रम कुछ दूर तक कार्य करता रहता है, क्योंकि इच्छा एक यथार्थता में रूपांतरित हुई है और आमतौर से विचार भी दृष्टिगम्य प्रतिबिंबों के रूप में परिवर्तित हुए। यहाँ निर्वचन की कोई आवश्यकता नहीं, इन दोनों रूपांतरों को पूर्व रूप में ले आना ही हमारा काम है। स्वप्न तंत्र के और कार्य जो दूसरे तरह के स्वप्नों में दिखाई देते हैं स्वप्न विपर्यास कहलाते हैं, और इनमें मूल मनोबिंब या विचार हमारे निर्वचन कार्य द्वारा ही सामने लाए जाते हैं। मुझे बहुत से स्वप्न निर्वचनों की तुलना करने का मौका मिला है, इसलिए मैं आपको विस्तार से यह बता सकता हूँ कि स्वप्न तंत्र गुप्त स्वप्न विचारों की सामग्री पर किस तरह असर डालता है। पर कृपा करके बहुत कुछ समझ में आ जाने की आशा मत करिए। वर्णन की इस अंश को शांति से और ध्यान से सुनना चाहिए। स्वप्न तंत्र का पहला काम है संघनन। इस शब्द से हम यह बात बताना चाहते हैं कि स्वप्न व्यक्त स्वप्न की वस्तु गुप्त विचारों की अपेक्षा कम संपन्न या भरी पूरी होती है। यह मानो गुप्त विचारों का एक तरह का संक्षिप्त अनुवाद होती है। कभी कभी संघनन नहीं भी होगा, पर आमतौर से यह होता है और प्रायः बहुत दूर तक होता है। यह उल्टी दिशा में कभी नहीं चलता, अर्थात ऐसा कभी नहीं होता कि व्यक्त स्वप्न गुप्त स्वप्न की अपेक्षा अधिक संपन्न वस्तु वाला या अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला हो। संघनन निम्नलिखित रीतियों से होता है। कुछ गुप्त अवयव बिल्कुल गायब होते हैं। गुप्त स्वप्न की बहुत सी ग्रंथियों में से सिर्फ एक खंड व्यक्त वस्तु में आता है। किसी सामान्य विशेषता वाले गुप्त अवयव व्यक्त स्वप्न में मिलकर एक हो जाते हैं। यदि आप चाहें तो संघनन शब्द इस अंतिम प्रक्रम के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, जिसके प्रभावों को विशेष आसानी से दिखाया जा सकता है। अपने स्वप्नों पर विचार करते हुए आप बड़ी आसानी से ऐसे उदाहरण याद कर सकेंगे जिनमें विभिन्न व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति बन गए हों। ऐसी मिली जुली आकृति सकल में का से मिलती है, पर कपड़ों में खा से मिलती है, पेशे से गा की याद दिलाती है, और फिर भी आप सारे समय यह समझते हैं कि यह घा है। मिली जुली तस्वीर चारों व्यक्तियों की किसी सामान्य विशेषता पर विशेष बल देती है, और यह भी हो सकता है मिली जुली तस्वीर व्यक्तियों की तरह वस्तुओं
यह स्थानों से मिलकर बनी है। हो सकता है शर्त यही है कि अलग अलग वस्तुओं और स्थानों में कोई ऐसा सामान्य गुण हो जिस पर गुप्त स्वप्न बल देता हो। यह ऐसी अवस्था है जिसमें मानो कोई नया और उड़ जाने वाला अवधारणा बन गया हो, जो सामान्य गुण के रूप में बना हो। अलग अलग भागों के एक दूसरे के ऊपर आ जाने से प्रायः एक धुंधला और अस्पष्ट चित्र बनता है, जिसे एक ही प्लेट पर कई फोटो ले लिए गए हों। ऐसी मिली जुली आकृतियों का बनना स्वप्न तंत्र में बड़े महत्व का है, क्योंकि हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि उनके बनने के लिए आवश्यक सामान्य गुण जानबूझकर बनाए गए हैं, जबकि ऊपर से देखने पर वे गुण उनमें दिखाई नहीं देते, जैसे किसी विचार के लिए कोई विशेष पदावली छांट कर। इस तरह के संघनन और मिले जुले शब्दों के उदाहरण हम पहले देख चुके हैं। उनका बोलने की बहुत सी गलतियां पैदा करने में महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आपको उस नौजवान की बात याद होगी जो एक महिला को इंसॉर्ट बैगलीटाइजेशन करना चाहता था। बैगलीटाइजेशन इंसर्ट अपमान करना, बैगलीटन स्कॉट हिफाजत से पहुंचाना, मिला जुला शब्द बैगलीटाइजेशन। इसके अलावा अनेक मजाकों में इस तरह की संघनन की विधि दिखाई देती है, परंतु इसके बाद भी हम कह सकते हैं कि यह प्रक्रम बिल्कुल अजीब और अप्रचलित है। यह सच है बहुत से कल्पना जालों की सृष्टि से मैं हमें अपने स्वप्नों के मिले जुले व्यक्तियों का निर्माण करने वाले अवयव मिल जाते हैं। ये घटक अवयव यथार्थता एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, बल्कि कल्पना सृष्टि के द्वारा मिलकर एक पूर्ण चित्र बनाते हैं। जैसे सेंटोर अर्थात आधा मनुष्य की और आधा घोड़े की आकृति वाला कल्पित राक्षस और प्राचीन पौराणिक कथाओं में आने वाले या बोकलिन की तस्वीरों में दिखाई देने वाले कल्पित पशु, असल में सृजनात्मक कल्पना कोई नई चीज नहीं बना सकती। पर यह विभिन्न वस्तुओं के अवयव जो हो सकती है। स्वप्न तंत्र की प्रक्रिया के बारे में विशेष बात यह है कि इसकी सामग्री विचार होते हैं, जिनमें से कुछ आपत्ति योग्य और अप्रिय हो सकते हैं, पर फिर भी वे सही रूप में बनते और प्रकट होते हैं। स्वप्न तंत्र इन विचारों को दूसरे रूप में बदल देता है, और यह बात विचित्र और समझ में नहीं आती कि इस अनुवाद के प्रक्रम में मानो उन्हें दूसरी लिपि में या भाषा में परिवर्तित करने में मिलाकर जोर देने के साधन भी काम लाए जाते हैं। दूसरी अवस्थाओं में अनुवादक का निश्चित रूप से यह प्रक्रम होना चाहिए कि वह मूल में दिखाए गए भेदों को माने और विशेष रूप से उन वस्तुओं में भेद स्पष्ट करे जो समरूप है पर अभिन्न नहीं है, या एक जैसी हैं पर एक नहीं है। इसके विपरीत स्वप्न तंत्र चुटकुले के ढंग से ऐसा संदिग्ध अर्थ छांट कर जिसमें दोनों विभिन्न विचार प्रतिध्वनित होते हैं, दोनों को संघनित करने की कोशिश करता है। हमें इस विशेषता को सीधे ही समझ लेने की आशा ना करनी चाहिए, पर हमारी स्वप्न तंत्र की धारणा और धारणा के लिए इसका बड़ा महत्व हो सकता है। यद्यपि संघनन स्वप्न को अस्पष्ट कर देता है, तो भी यह स्वप्न सेंसरशिप का परिणाम नहीं रखता। इसका कारण यांत्रिक या मितव्ययता संबंधी प्रतीत होता है, तो भी इसमें सेंसरशिप की हित सिद्धि होती है। कभी कभी संघनन से बड़ा असाधारण काम हो जाता है। इसके द्वारा कभी कभी दो सर्वथा भिन्न गुप्त विचार श्रृंखलाएं मिलकर एक व्यक्त स्वप्न का रूप ग्रहण कर लेती हैं, जिससे हमें ऊपर से देखने पर स्वप्न का पर्याप्त निर्वचन मिल जाता है, और फिर भी इसका जो दूसरा अर्थ होता है उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा व्यक्त और गुप्त स्वप्न के संघनन का एक प्रभाव यह होता है कि दोनों के अवयवों में कहीं भी सीधा सिलसिला नहीं रहता, क्योंकि कभी तो एक व्यक्त अवयव एक साथ कई गुप्त विचारों को निरूपित करता है और
और कभी एक गुप्त विचार कई व्यक्त अवयवों में मौजूद होता है। फिर जब हम स्वप्नों का निर्वचन करने लगते हैं, तब देखते हैं कि आमतौर से एक व्यक्त अवयव के साहचर्य किसी नियमित क्रम से सामने नहीं आते। हमें प्रायः सारे स्वप्न की निर्वचन होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस प्रकार स्वप्न तंत्र स्वप्न विचारों को अनुवादित या रूपांतरित करने के लिए एक बड़ी अजीब रीति अपनाता है। यह प्रत्येक शब्द का दूसरे शब्द से या प्रत्येक चिन्ह का दूसरे चिन्ह से अनुवाद नहीं होता। यह किसी निश्चित नियम के अनुसार छांटने का प्रक्रम भी नहीं होता। उदाहरण के लिए शब्दों के सिर्फ व्यंजन आते ही हो और स्वर लुप्त हो जाते हो, ना ऐसा ही होता है कि एक अवयव छांट कर उसके कई अन्य अवयवों को निरूपित कर दिया जाए, जिसे हम निरूपण का प्रक्रम कहते हैं, कह सकते हैं। यह बिल्कुल दूसरी और उलझनदार विधि से किया जाता है। स्वप्न तंत्र का दूसरा काम है विस्थापन। खुशकिस्मती से यह कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है। हम जानते हैं यह पूरी तरह से स्वप्न सेंसरशिप का कार्य है। विस्थापन दो रूपों में होता है। प्रथम, किसी गुप्त अवयव के स्थान पर कोई और दूर की चीज जैसे कोई अस्पष्ट निर्देश प्रतिस्थापित हो जाता है, उसका ही कोई भाग प्रतिस्थापित नहीं होता। और दूसरे, बलाघात किसी महत्वपूर्ण अवयव से हटकर किसी महत्वहीन अवयव पर पहुंच जाता है, जिससे मानो स्वप्न का केंद्र हट जाता है और इस तरह स्वप्न अपरिचित दिखने लगता है। अस्पष्ट रूप से स्थानापन्नता, अर्थात एक अवयव के स्थान पर दूसरे का आ जाना, जागते समय के विचारों में भी होता रहता है, पर दोनों में एक अंतर है। जागते समय के विचारों में यह आवश्यक है कि अस्पष्ट निर्देश आसानी से समझ में आने वाला हो और कि स्थानापन्न वस्तु का असली विचार की वस्तु से साहचर्य हो। अस्पष्ट निर्देश का प्रयोग वाणी के चमत्कारों में भी बहुत किया जाता है, जिनमें वस्तु में साहचर्य की शर्त नहीं रहती और उसके स्थान पर अपरिचित बाहरी साहचर्य जैसे ध्वनि की समानता, अर्थ की स्पष्टता आदि आ जाते हैं, पर सुबोधता की शर्त रहती है। यदि हम मजाक में बिना मेहनत के यह ना समझ सके कि जिस वस्तु का निर्देश किया जा रहा है वह क्या है, तो मजाक का सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। पर स्वप्नों में विस्थापन द्वारा निर्देश पर दोनों में से एक भी संबंध नहीं होता। और इस यह जिस अवयव का सूचक है उससे बहुत अस्पष्ट रूप से हल्का सा जुड़ा रहता है और इसी का आसानी से समझ में नहीं आता। और जब संबंध सूत्र ढूंढा जाता है तब निर्वचन से यह असर पड़ता है, जो किसी असफल मजाक का या जबरदस्ती की या खींचतानी से की गई व्याख्या का स्वप्न सेंसरशिप का उद्देश्य उसी समय पूरा हो जाता है जब वह अस्पष्ट निर्देश से असली विचार का संबंध जोड़ने को असंभव बनाने में सफल हो जाता है। यदि हमारा उद्देश्य विचार को प्रकट करना है तो बलाघात का विस्थापन अर्थात स्थान परिवर्तन उसका उचित उपाय नहीं है। यदि हम हंसी पैदा करने वाला असर लाने के लिए जागृत जीवन में कभी कभी इसे स्वीकार करते हैं, इससे कितनी गड़बड़ी पैदा होती है यह मैं उदाहरण से स्पष्ट करूंगा। किसी गांव में एक बहुई रहता था जिसने हत्या का अपराध किया था। अदालत ने फैसला किया कि बहुई सचमुच अपराधी है, परंतु क्योंकि गांव में अकेला बहुई था और इसे उसके बिना काम नहीं चल सकता था, जबकि वहां दर्जी तीन रहते थे, इसलिए उसकी जगह उन तीन में से एक को फांसी पर लटका दिया गया। स्वप्न तंत्र का तीसरा कार्य मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक मनोरंजक है। इसमें विचार दृष्टि गम्य प्रतिबिंब से में रूपांतरित हो जाते हैं। यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि स्वप्न विरोधों विचारों की हर चीज इस तरह रूपांतरित नहीं होती। बहुत सी चीज अपने मूल रूप में कायम रहती है और व्यक्ति स्वप्न में भी स्वप्न दृष्टा के विचार या ज्ञान के रूप में दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि विचारों का रूपांतर सिर्फ इसी रूप में नहीं होता कि वे दृष्टि गम्य प्रतिबिंबों का रूप ग्रहण कर लें, पर किसी भी स्वप्नों के निर्माण में यह अनिवार्य विशेषता है। और जैसा कि हम जानते हैं स्वप्न तंत्र का यह भाग सिर्फ एक और अवस्था को छोड़कर सबसे कम बदलता है। इसके अतिरिक्त अलग अलग स्वप्न अवयवों के लिए सुघट्य शब्द निरूपण के क्रम से हम पहले ही परिचित हैं। स्पष्ट है कि यह कार्य
आसान नहीं है। इसकी कठिनाई का कुछ अंदाजा लगाने के लिए कल्पना कीजिए कि आपको किसी समाचार पत्र के राजनीतिक अग्रलेख के स्थान पर कुछ चित्र बनाने हैं। अब आपको चित्र लिपि ग्रहण करनी होगी और वर्णमाला वाली लिपि छोड़नी। लेख में उल्लेखित व्यक्तियों और ठोस वस्तुओं का निरूपण चित्र के रूप में आसानी से और शायद अधिक अच्छे तरीके से किया जा सकता है, पर अमूर्त शब्दों तथा संबंध वाचक शब्दों जैसे विभक्तियों, संयोजक शब्द आदि को चित्रित करने में कठिनाई होगी। अमूर्त शब्दों को चित्रित करने में आप सब तरह की युक्तियां काम में लाएंगे। उदाहरण के लिए लेख के मूल पाठ को आप ऐसे शब्दों में बदलने की कोशिश करेंगे जो शायद परिचित तो कम होंगे पर अधिक मूर्त और इसलिए आसानी से निरूपण योग्य होंगे। इससे आपको इस तथ्य का ध्यान आएगा कि अधिकतर अमूर्त शब्द शुरू में मूर्त थे और उनका मूल अर्थ जाता रहा और इसलिए जहाँ कहीं संभव होगा आप इन शब्दों के शुरू के मूल अर्थ को पकड़ेंगे। इस प्रकार आपको यह सोचकर प्रसन्नता होगी कि किसी वस्तु के धारण अर्थात स्वामित्व को आप उसके शब्दार्थ के अनुसार धारण करने के रूप में निरूपित कर सकते हैं। स्वप्न तंत्र भी ठीक इसी तरह चलता है। ऐसी परिस्थितियों में आप चित्रण की बहुत यथार्थता की आशा नहीं कर सकते और ना इस बात पर आपत्ति कर सकते हैं कि स्वप्न तंत्र में किसी ऐसे अवयव की जगह जिसे चित्र रूप में लाना कठिन है, जैसे विवाह की प्रतिज्ञाओं को भंग करने का मनोबिंब, किसी और तरह का भंग या तोड़ना जैसे वाह या टांग का तोड़ना आ गया है। इस तरह आप वर्ण लिपि को चित्र लिपि में परिवर्तित करने की कठिनाई कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। इन प्रश्नों को शुद्ध करते हुए मेरी दृष्टि अखबार के एक अनुच्छेद पर पड़ी जिससे उपयुक्त बात की अचानक ही पुष्टि होती है। वह अनुच्छेद में यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। ईश्वरी बदला विवाह की प्रतिज्ञा तोड़ने पर बांह टूटी। विजय फौज के एक सैनिक की पत्नी अन्ना एम ने क्लीमेंटाइन के पर पतिव्रत्य भंग करने का आरोप लगाया। उसने कहा क्लीमेंटाइन के का अपने पति के मोर्चे पर चले जाने के दिनों में कार्ल एम से अवैध संबंध था, जबकि उसका पति उसे 70 क्राउन प्रतिमास भेज रहा था। इसके अलावा उसको अन्ना के पति से भी बहुत सा धन मिला था, जबकि अन्ना और उसके बच्चों को भूख और मुसीबत में दिन गुजारने पड़ते थे। अन्ना ने अपने आरोप में यह भी कहा कि मेरे पति के कुछ साथियों ने मुझे सूचना दी है कि मेरा पति और क्लीमेंटाइन एक हट्टे शराब घर में गए और वहाँ बहुत रात तक शराब पीते रहे। क्लीमेंटाइन ने एक बार कई सैनिकों के सामने मेरे पति से सचमुच पूछा था, जल्द ही अपनी बुढ़िया औरत को छोड़कर मेरे पास आ जाओगे या नहीं। और जिस मकान में क्लीमेंटाइन रहती है उसके चौकीदार ने मेरे पति को क्लीमेंटाइन के कमरे में बिल्कुल कपड़े उतारे हुए देखा है। कल लियोपोल्ड स्टेट में क्लीमेंटाइन ने एक मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि मैं कार्ल एम को बिल्कुल नहीं जानती, हमारे गोपनीय संबंध का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। पर एक गवाह एलवन टाइम ने कहा कि मैंने क्लीमेंटाइन को अन्ना के पति को चूमते देखा है। मुझे देखकर क्लीमेंटाइन घबरा गई थी। कार्ल ने जिसे पहले गवाह के तौर पर बुलाया गया था और जिसने तब क्लीमेंटाइन से अपना गोपनीय संबंध होने की बात से इनकार किया था, कल मजिस्ट्रेट को एक पत्र दिया। इसमें गवाह ने अपने पहले के इनकार को वापस ले लिया था और यह स्वीकार किया था कि पिछले जून तक उसका क्लीमेंटाइन के साथ अवैध संबंध जारी था। पहले मैंने क्लीमेंटाइन के साथ अपने संबंध से इस कारण इनकार किया क्योंकि वह मामला अदालत में आने से पहले मेरे पास आई और उसने घुटने टेक कर मुझसे कहा कि मैं कुछ ना कहूँ और उसकी रक्षा करूँ। आज गवाह ने लिखा था, मैं अदालत के सामने सारी बात सच सच कह देने को मजबूर हो गया हूँ क्योंकि मेरी बाईं बाह टूट गई है और मैं इसे अपने अपराध का ईश्वर द्वारा दिया गया दंड समझता हूँ। जज ने फैसला किया कि दंडनीय अपराध हुए इतने दिन बीत चुके हैं कि अब उस पर कार्यवाही नहीं हो सकती। इस पर आरोप लगाने वाली ने अपना आरोप वापस ले लिया और अभियुक्ता को बरी कर दिया गया। जब आपके सामने उन शब्दों के चित्र बनाने का प्रश्न आता है तो विचार संबंधों को सूचित करते हैं, उदाहरण के लिए क्योंकि, इसलिए, परंतु इत्यादि, तब आपके पास उस तरह के साधन नहीं होते जैसे ऊपर बताए गए हैं। और इस तरह जहाँ तक चित्रों के रूप में आपके अनुवाद का प्रश्न है,
मूल के ये हिस्से निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार स्वप्न तंत्र स्वप्न विचारों की वस्तु को अपनी कच्ची सामग्री में परिवर्तित कर लेती है, जिसमें वस्तुएं और क्रियाएं होती हैं। यदि किसी तरह प्रतिबिंबों को कुछ और बढ़ाकर ऐसे संबंधों को सूचित करने की संभावना हो जो अपने आप में चित्रित नहीं किए जा सकते, तो भी आप संतोष कर सकते हैं। ठीक इसी तरह स्वप्न तंत्र अधिकतर स्वप्न विचारों को अधिक ही अधिकांश वस्तु को व्यक्त स्वप्न की आकृति की विशेषताओं द्वारा इसकी स्पष्टता या धुंधलेपन द्वारा इसके अनेक भागों में विभाजन द्वारा या ऐसे ही उपायों से प्रकट करने में सफल होता है। साधारणतया कोई स्वप्न उतने ही भागों में बांटा जाता है जितने उसके मुख्य प्रतिपाद्य विषय होते हैं या जितनी गुप्त सब स्वप्नों में विचारों की क्रमिक श्रेणियां होती हैं। पर कोई गौण स्वप्न विचार व्यक्त स्वप्न के बीच में दृश्य परिवर्तन आदि द्वारा निरूपित होता है। इस प्रकार स्वप्नों की आकृति अपने आप में महत्वहीन चीज नहीं है और उसका भी अर्थ लगाने की आवश्यकता है। प्रायः एक ही बात में आने वाले कई स्वप्नों का एक ही अर्थ होता है और विभक्ती हुई प्रवृत्ता वाले किसी उद्दीपन को अधिकाधिक पूर्णता से काबू में करने के प्रयत्न का संकेत करते हैं। एक स्वप्न में भी कोई विशेष रूप से कठिन अवयव डबलिंग दोहरेपन अर्थात एक से अधिक प्रतीकों द्वारा निरूपित हो सकता है। यदि हम स्वप्न विचारों और उन्हें निरूपित करने वाले व्यक्त स्वप्नों की तुलना जारी रखें तो सब दिशाओं में हमें ऐसी वस्तुएं दिखाई देती हैं जिनकी हमें कभी आशा नहीं हो सकती थी। उदाहरण के लिए यह कि स्वप्न को की अर्थहीन बेतुकी बातों का भी अर्थ होता है। असल में यहाँ आकर स्वप्नों के बारे में डॉक्टरी विचार और मनोविश्लेषण संबंधी विचार में विभेद बहुत स्पष्ट हो जाता है। डॉक्टरी विचार के अनुसार स्वप्न इसलिए बेतुका होता है क्योंकि स्वप्न देखते समय हमारी मानसिक क्रिया ने अपना कार्य करना छोड़ दिया। दूसरी ओर हमारे विचार के अनुसार स्वप्न तब बेतुका बन जाता है जब उसे गुप्त विचारों में निहित आलोचना अर्थात यह भाई कि यह बेतुका है निरूपित करनी होती है। थिएटर जाने वाले जाने विषयक जो स्वप्न मैंने आपको बताया था डेविड फ्लोरिन में 3 टिकट वह इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसमें यह बात जाहिर की गई थी कि इतनी जल्दी विवाह करना बेहूदगी थी। इसी प्रकार जब हम स्वप्नों का अर्थ लगाते हैं तभी हमें स्वप्न दृष्टाओं द्वारा प्राय प्रकट किए जाने वाले इस तरह के संदेहों और अनिश्चयों का कि अमुक अवयव स्वप्न में दिखाई दिया या नहीं कि वह सचमुच वैसा ही था और कुछ और नहीं था थी असली अर्थ पता चल जाता है। आमतौर से गुप्त स्वप्नों गुप्त विचारों में इन संदेहों और अनिश्चयों से संबंधित कोई चीज नहीं होती। वे पूरी तरह सेंसरशिप के कार्य करने से ही पैदा होते हैं और उनकी तुलना लिखे हुए को रबर से मिटाने की असफल कोशिश दिखाई देती है। हमारी सबसे आश्चर्यजनक खोज यह है कि स्वप्न तंत्र गुप्त स्वप्न में विरोधी बातों से किस तरह निपटता है। यह पहले ही देख चुके हैं कि गुप्त वस्तु में जिन प्रश्नों पर एक ही मत होता है उनके स्थान पर व्यक्त स्वप्न में संघनन या संक्षेप हो जाता है। विरोधी विचारों का भी यही हाल होता है जो समान विचारों का पर उन्हें उसी व्यक्त अवयव के द्वारा प्रकट करने का यत्न किया जाता है। अतः स्वप्न के जिस अवयव का कोई विरोधी रूप हो सकता है वह या तो सिर्फ अपना या अपने विरोधी का और या इकट्ठे दोनों का प्रतीक हो सकता है। तात्पर्य से ही यह निश्चय करना होगा कि कौन सा अनुवाद किया जाए। इसीलिए स्वप्न में नहीं का निरूपण नहीं होता यह स्पष्ट अर्थवादी नहीं नहीं होती। स्वप्न तंत्र की इस विचित्रता का एक मनोरंजक सादृश्य भाषा के परिवर्तन में प्राप्त हुआ। बहुत से भाषा शास्त्रियों ने यह माना है कि सबसे पुरानी भाषाओं में विपरीतार्थक शब्द जैसे मजबूत कमजोर प्रकाश अंधकार बड़ा छोटा आदि एक ही धातु से उत्पन्न शब्द से प्रकट किए जाते थे। आदिम शब्दों के परस्पर विरोधी अर्थ इस प्रकार प्राचीन मिस्री भाषा में कैन शब्द शुरू में मजबूत और कमजोर दोनों के लिए था। बोलचाल में इसे उभयक अर्थात उभयार्थक शब्दों के अर्थ में गलतफहमी से बचने के लिए उनका अर्थ वे काकू या
लहजे और उसके बाद उसके साथ होने वाली चेष्टाओं से स्पष्ट किया जाता था। लिखने में ऐसे शब्द के साथ एक और निश्चायक जोड़ दिया जाता था जो बोलचाल में प्रयोग के लिए नहीं होता था। इस प्रकार केन शब्द जब मजबूत के अर्थ में लिखा जाता था तब उसके साथ एक सीधे खड़े हुए छोटे आदमी का चित्र बना दिया जाता था। और जब केन शब्द का प्रयोग कमजोर के अर्थ में होता था तब उसके साथ एक कमजोर ढीले ढाले आदमी की तस्वीर बना दी जाती थी। एक ही आदिम शब्द के दो विरोधी अर्थों का बहुत समय बाद मूल में थोड़ा खेल खेल करके दो भिन्न अर्थों में अंकन शुरू हुआ। इस प्रकार मजबूत कमजोर वाचक केन शब्द से दो शब्द निकले, केन मजबूत और कान इक्वल टू कमजोर। इस तरह दो विरोधी अर्थ रखने वाले शब्दों के बहुत से अवशेष प्राचीनतम भाषाओं में ही नहीं मिलते जो अब अपनी परिवर्धन की अंतिम मंजिलों में हैं, बल्कि यही बात नई भाषाओं में भी होती है जो आज भी जीवित हैं। इसके कुछ दृष्टांत मैं सी एवर की पुस्तक 1884 में जो प्रकाशित हुई से उद्धृत करता हूँ। लैटिन में ऐसे उभयक शब्द ये हैं, एल्टस ऊंचा या गहरा, सेकर पवित्र या अभिशप्त। मूल धातु के रूप भेदों के उदाहरण ये हैं, क्रेमेंजो चिल्लाना, क्रैम शांति से चुपचाप गुप्त रूप से, सिकस सूखा, सकस रस और जर्मन में स्टिम वाई स्टम गूंगा। संबंधित भाषाओं की तुलना से ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाते हैं, अंग्रेजी लॉक बंद करना, जर्मन लॉक छिद्र, रैक खाली स्थान, रख खाली स्थान, अंग्रेजी ग्रीव जर्मन, क्रेवेन चिपकना। अंग्रेजी के विदाउट शब्द में पहले साथ और बिना ये दोनों अर्थ थे, पर आज यह बिना के अर्थ में ही प्रयोग होता है। पर यह बात स्पष्ट है कि विद में जोड़ने के अर्थ के अलावा वंचित करने का अर्थ भी है, जैसे विदड्रॉ विद होल्ड, देखिए जर्मन वीडर। स्वप्न तंत्र की एक और विशेषता भी भाषा के परिवर्तन में दिखाई देती है। प्राचीन मिस्री भाषा में और कुछ बाद की भाषाओं में भी ध्वनियों का क्रम बदलने से उसी मूल विचार के लिए भिन्न भिन्न शब्द बन जाते थे। अंग्रेजी और जर्मन शब्दों के इस तरह के कुछ सादृश्य ये हैं, जर्मन शब्द काले टाइप में लिखे गए हैं, तो बर्तन पॉट बोट टब, क्लोवेन डंडा, अब हरी रू विश्राम रेस्ट, बालकन सहती बीम, क्लोवेन डंडा क्लब, वेट टोवेन प्रतीक्षा करना। लैटिन और जर्मन के सादृश्य कैपियर पैकिन पकना, रेन नियर गोदर। यहाँ अकेले शब्दों में ध्वनियों का जैसा स्थान परिवर्तन हुआ है वैसा स्वप्न तंत्र द्वारा कई तरह से किया जाता है। अर्थ का उल्टा हो जाना अर्थात विरोधी अर्थ का आ जाना हम पहले देख चुके हैं कि इसके अलावा हम स्वप्नों में देखते हैं कि स्थितियां उल्टी हो जाती हैं या दो व्यक्तियों के संबंध उलट जाते हैं, मानो वह दृश्य किसी उल्टी दुनिया में हो रहा हो। स्वप्नों में प्राय खरगोश शिकारी का पीछा करता है, कभी कभी घटनाओं का क्रम उलट जाता है और इस तरह स्वप्नों में कार्य पहले और कारण पीछे हो जाता है, जिससे हमें किसी घटिया दर्जे के नाटक की बात याद आ जाती है जिसमें नायक पहले गिर जाता है और उसे मारने वाली गोली उसके बाद चलाई जाती है। या ऐसे स्वप्न होते हैं जिनमें अवयवों का सारा विन्यास या सिलसिला उल्टा हो जाता है। ये तब समझ में आ सकते हैं जब अंतिम अवयव को पहले और पहले अवयव को अंत में रखा जाए। आपको याद होगा कि स्वप्न प्रतीकात्मकता का अध्ययन करते हुए भी हमने यही बात देखी थी, उसमें पानी में कूदने या गिरने का या पानी में से निकलने का एक ही अर्थ था।
पैदा होना या पैदा करना और सीढ़ियों से चढ़ने और उतरने का एक ही अर्थ है। इससे हमें यह पता चलता है कि स्वप्न विचारों को निरूपित करने में इतनी आजादी होने से स्वप्न विपर्यास को कितना लाभ हो जाता है। स्वप्न तंत्र की इन विशेषताओं को पुराने ढंग की विशेषताएं कहा जाता है। इनमें भाषाओं या लिपियों की अभिव्यक्ति की आदिम रीतियां बनी हुई हैं और उनसे बड़ी कठिनाइयां सामने आती हैं, जिन पर हम बाद में इस विषयों की आलोचना करते हुए विचार करेंगे। अब इस तरह के कुछ और पहलुओं पर विचार करना है। यह स्पष्ट हो चुका है कि स्वप्न तंत्र का कार्य गुप्त विचारों के शब्दों वाले रूप को अवबोध्य रूपी और अधिकतर दृष्टिगम्य प्रतिबिंबों के रूप में बदलना है। हमारे विचार ऐसे अवबोध्य या इंद्रिय गोचर रूपों में ही पैदा हुए थे। इनकी सबसे पुरानी सामग्री और उनके परिवर्धन की सबसे पहली अवस्था इन इंद्रिय संवेदनों की या अधिक यथार्थ रूप में कहें तो इनके स्मृति चित्रों की ही थी। बाद में इन चित्रों में शब्द जोड़ गए और वे एक दूसरे से इस तरह बांध दिए गए जिससे विचार बन जाए। इस तरह स्वप्न तंत्र हमारे विचारों पर प्रतिगामी अर्थात उल्टी ओर चलने वाला प्रक्रम करती है और उसी रास्ते से लौटती है जिससे उनका परिवर्धन हुआ था। इस प्रतिगमन के मार्ग में वे सब नई बातें हैं जो स्मृति चित्रों का विचारों में परिवर्तन होने के समय आई थी आवश्यक रूप से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार स्वप्न तंत्र से हमारा यह अभिप्राय है कि हमने इसके प्रक्रमों के बारे में जो कुछ जाना है उसके अलावा व्यक्त स्वप्न में हमारी दिलचस्पी अवश्य बहुत कम हो जाएगी, पर फिर भी व्यक्त स्वप्न के बारे में मैं 2-3 बातें कहूंगा। क्यों? आखिरकार स्वप्न के इसी हिस्से से तो हमारा सीधा संभव परिचय होता है। यह स्वाभाविक है कि व्यक्त स्वप्न का महत्व हमारी नजरों में कुछ कम हो जाए। यह सावधानी से बनाया हुआ है यह कई असंबंधित चित्रों का एक क्रम मात्र है। इस विषय में हमारी बहुत कुछ उपेक्षा हो जाएगी। किसी स्वप्न का बाहरी रूप ऊपर से कितना ही सार्थक दिखने पर भी हम जानते हैं कि यह रूप स्वप्न विपर्यास के प्रक्रम द्वारा ही बना है और इसका स्वप्न की अंतर वस्तु से कुछ भी संबंध नहीं है। पर कभी स्वप्न इस ऊपरी रूप का भी अर्थ होता है और वह बिना विपर्यास के या मामूली विपर्यास करके गुप्त विचारों के एक महत्वपूर्ण अंश को पेश करता है। पर हम इस नतीजे पर तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हमने स्वप्न का अर्थ न लगा लिया हो और इस तरह विपर्यास की मात्रा के बारे में हम किसी विचार पर न पहुंच गए। इसी तरह का संदेह वहां होता है जहां दो अवयवों में नजदीकी संबंध मालूम होता है। यह असंबंध इस बात का मूलवान संकेत भी हो सकता है कि गुप्त स्वप्न के वे अवयव इसी प्रकार जोड़े हुए हैं। पर कभी कभी हमें यह निश्चित रूप से पता चल सकता है कि विचार में जो चीज जोड़ी है हुई है वह स्वप्न में बहुत अलग हो गई है। साधारणतः हमें व्यक्त स्वप्न के एक हिस्से की दूसरे हिस्से के द्वारा यह मानकर व्याख्या करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जैसे स्वप्न एक सुसंबंध अवधारणा और वस्तु स्थिति रूप निरूपण है। अधिकतर अवस्थाओं में इसकी तुलना किसी द्विकिया पत्थर के टुकड़े से की जा सकती है जिसमें विभिन्न किस्मों के पत्थरों के टुकड़े सीमेंट से जोड़े रहते हैं और उस पर दिखाई देने वाली धारियां उन टुकड़ों की नहीं होती जिनसे यह बना है। सच तो यह है कि स्वप्न तंत्र में एक प्रक्रिया ऐसी होती है जिसे परवर्ती विसंधन कहते हैं। इसका उद्देश्य स्वप्न तंत्र के तात्कालिक परिणामों को मिलाकर एक और काफी सर्वसंबंध समष्टि बना देना है। इस प्रक्रम में सामग्री प्राय इस तरह सजाई जाती है जिससे वह समझ में आने की बिल्कुल अयोग्य हो जाती है और इसके लिए बीच में जितनी बातें डालने की जरूरत है उतनी डाल दी जाती है। दूसरी ओर हमें स्वप्न तंत्र की महत्व की बहुत अधिक बहाकर महत्व को बहुत अधिक बहाकर ना समझना चाहिए या इसमें भी बातें नहीं मान लेनी चाहिए जो इसमें नहीं है। इसका कार्य उतना ही है जितना यह यहाँ बताया गया है। संघनन, विस्थापन, सुघट्य, निरूप और सारे स्वप्न का परवर्ती विसंधन इतनी ही बातें यह कर सकता है। स्वप्नों में निर्णय, आलोचना, आश्चर्य, निगमनात्मक तर्क दिखाई देते हैं। वे स्वप्न तंत्र से नहीं पैदा होते और ऐसा बहुत कम होता है कि वे स्वप्न के बारे में बात के चिंतन को प्रकट करते हैं। वे अधिकतर गुप्त विचारों के खंड होते हैं जो थोड़ा बहुत परिवर्तित रूप में और प्रसंग के अनुकूल रूप में
व्यक्त के स्वप्न में घुस आते हैं। दूसरे स्वप्न तंत्र स्वप्नों में वार्तालाप नहीं पैदा कर सकते। थोड़े से अपवाद रूप उदाहरणों को छोड़कर सर्वत्र यह स्वप्न दृष्टा द्वारा पिछले दिन सुनी गई या कही गई बातों का अनुकरण होता है और उन बातों से बना हुआ होता है। ये बातें गुप्त विचारों में स्वप्न दृष्टा के स्वप्न की सामग्री या उसकी उत्तेजक वस्तु बनकर घुस जाती है। गणित संबंधी गणनाएं भी स्वप्न तंत्र के क्षेत्र में नहीं आती। व्यक्त स्वप्न में इस तरह की जो चीजें दिखाई देती है वह साधारणतः संख्याओं का मेल मात्र है। वह गणना सी प्रतीत होती है परंतु बिल्कुल बेहोदी गणना होती है और गुप्त विचार में उपस्थित किसी गणना की नकल मात्र होती है। इन परिस्थितियों में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमें स्वप्न तंत्र में जो दिलचस्पी हुई थी वह शीघ्र ही गुप्त विचारों की ओर मोह जाती है, जो कि व्यक्त स्वप्न द्वारा थोड़े या बहुत विपर्यस्त रूप में प्रकट होते हैं। परंतु इस विषय पर सिद्धांत रूप से विचार करते हुए यह उचित न होगा कि हमारी दिलचस्पी ऐसी मार्ग भ्रष्ट हो जाए कि हम सारे स्वप्न के स्थान पर पूरी तरह से गुप्त विचारों को ही स्थापित कर दें और स्वप्न के बारे में ऐसा कोई विचार प्रकट करने लगे जो गुप्त विचारों के बारे में ही सही हो। यह बड़ी विचित्र बात है कि मनोविश्लेषण के परिणामों का ऐसा गलत प्रयोग किया गया है। इन दोनों में भ्रम होने लगा है। स्वप्न शब्द का प्रयोग स्वप्न तंत्र के परिणामों अर्थात उस रूप के लिए हो सकता है जिसमें स्वप्न तंत्र ने गुप्त विचारों को परिवर्तित किया है। यह कार्य एक अद्भुत क्रम है। मानसिक जीवन में ऐसी कोई चीज अब तक ज्ञात नहीं थी। इस तरह संघनन विस्थापन और मनोबिंबों के रूप में विचारों का प्रतिगामी अनुवाद एक नई चीज है और इसका स्वीकार कर लिया जाना ही मनोविश्लेषण के क्षेत्र में किए गए हमारे प्रयासों का प्रचुर पारितोषिक है। स्वप्न तंत्र के साथ जो सादृश्य दिखाए गए हैं उनसे आप यह भी देखेंगे कि मनोविश्लेषण संबंधी दूसरे प्रकार की गवेषणा में विशेष रूप से भाषा और विचार परिवर्धन के क्षेत्रों में क्या संबंध है। इस तरह प्राप्त हुए ज्ञान का और भी अधिक महत्व पता चलता है। मैं यह भी जानता हूं कि इन इस प्रकार के ज्ञान का और भी अधिक महत्व आपको तब पता चलेगा जब आपको यह मालूम होगा कि स्वप्न तंत्र की प्रक्रिया की तरह ही स्नायु रोगों के लक्षणों का निर्माण होता है। मैं यह भी जानता हूं कि इन प्रयत्नों से मनोविज्ञान को जो लाभ हुआ है उसका पूरी तरह अर्थ समझना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। हम उन नए प्रमाणों का संकेत मात्र करेंगे जो अचेतन मानसिक क्रियाओं के अस्तित्व के बारे में असल में गुप्त विचारों का यही रूप है इससे प्राप्त हुए हैं और यह निर्देश करेंगे कि स्वप्न निर्वचन से मन के अचेतन जीवन के ज्ञान के लिए कितना बड़ा दरवाजा, इतना बड़ा कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, खुल जाता है। मैं समझता हूँ अब आपके सामने तरह तरह के छोटे स्वप्नों के उदाहरण रखने का समय आ गया है जिनसे जिनके ऊपर बताई गई बातों का स्पष्टीकरण हो सके। अभी एक चाचा का स्वप्न का कार्य कभी सचमुच करेगा। यदि मेरा चाचा जो इतना धार्मिक आदमी है शनिवार को सिगरेट पीने लगे तो मुझे मेरी माता लाल प्यार कर सकती है। स्पष्ट है इसका अर्थ यह हुआ कि माता द्वारा लाल किए जाने का उतना ही सख्त विरोध निषेध था जितना धर्मात्मा यहूदी के लिए पवित्र दिन पर सिगरेट पीने का। आपको मेरा यह कथन याद होगा कि स्वप्न में स्वप्न विचारों के सब आपसी संबंध लोप हो जाते हैं। विचार टूट कर मूल वस्तु के रूप में आ जाते हैं और निर्वचन करते हुए हमारा कार्य यह है कि जो संबंध लुप्त हो गए हैं उन्हें
फिर से जो है स्वप्नों के विषय में मैंने जो कुछ लिखा है उसके कारण मैं इस विषय में आम जनता का सलाहकार सा हो गया हूँ। और बहुत वर्षों से मेरे पास बड़े दूर दूर के स्थानों से पत्र आते हैं जिनमें स्वप्न लिखे हो जाते हैं या मेरी राय पूछी जाती है। स्वभावतः मैं उन लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अपने स्वप्नों के साथ इतनी सारी सामग्री भी दी उनकी उनका निर्वचन हो सके और जिन्होंने स्वयं निर्वचन पेश किए हैं। म्यूनिक के एक मेडिकल विद्यार्थी का 1910 का निम्नलिखित स्वप्न इसी तरह का है जिसे मैं आपको सुना रहा हूँ इसलिए कि आपकी यह समझ में आ जाए कि साधारणतया तब तक स्वप्न को समझना कितना कठिन है जब तक स्वप्न दृष्टा स्वयं इसके बारे में कुछ बता सकता है वह ना बता दे। कारण कि मुझे शक है कि अपने मन में आप सोच रहे हैं कि प्रतीकों का अनुवाद कर देना निर्वचन का आदर्श तरीका है और मुक्त साहचर्य की विधि आप छोड़ देना पसंद करेंगे, इसलिए ऐसी घातक गलती को मैं आपके मन से निकाल देना चाहता हूँ। 13 जुलाई 1910 सवेरे के समय मुझे यह स्वप्न आया। मैं टीविन जैन की एक गली में साइकिल चलाता जा रहा था कि एक भूरा कुत्ता मेरे पीछे दौड़ता हुआ आया और उसे मेरी एक एयरी पकड़ ली। मैं कुछ दूर और चलकर साइकिल से उतर गया और एक सीढ़ी पर बैठकर कुत्ते को भगाने लगा क्योंकि उसने अपने दांत मेरी एयरी में अच्छी तरह गवा दिए थे। कुत्ते के मुझे काटने से और सारे दृश्य से मुझे कुछ बुरा नहीं मालूम। दो अधिक उम्र की महिलाएं सामने बैठी हंसती हुई मेरी ओर देख रही थी। उसके बाद मैं जाग उठा जैसा कि पहले बहुत बार हुआ। जाग जाने पर भी सारा स्वप्न मुझे स्पष्ट याद था। इस उदाहरण में प्रतीकात्मकता से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता और स्वप्न दृष्टा हमें स्वयं आगे बताता। हाल में ही सड़क पर एक लड़की को देखने मात्र से ही मेरा उनसे प्रेम हो गया था पर मेरे पास उससे परिचय करने का कोई उपाय नहीं था। मैं उसके कुत्ते को माध्यम बनाकर उससे आसानी से परिचय कर सकता था क्योंकि मैं स्वयं कुत्तों का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ और यह देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ था कि वह भी कुत्तों से प्रेम करती है। आगे वह कहता है, मैंने कई बार लौटते हुए कुत्तों को बड़ी चतुराई से अलग किया जिससे देखने वाले चकित हो जाते थे। अब हमें पता चलता है कि जो लड़की उसकी नजर में चढ़ रही है वह सदा इसी कुत्ते के साथ घूमती दिखाई देती थी पर व्यक्ति स्वप्न में वह नहीं है सिर्फ उसके साहचर्य में रहने वाला कुत्ता है। शायद वे बुजुर्ग महिलाएं जो उसकी ओर देखकर हंस रही थी उस लड़की को निरूपित करती पर वह और जो कुछ बताता है उसे यह बात स्पष्ट नहीं होती। वह सपने में साइकिल चला हुआ था। यह बात इस स्थिति को भी सूचित करती है जो उसे याद थी क्योंकि वह कुत्ते के साथ उस लड़की से जब मिला था वह साइकिल ही चला हुआ था। जब किसी आदमी का कोई व्यक्ति मर प्रिय व्यक्ति मर जाता तब काफी दिनों बाद उसे एक विशेष तरह का स्वप्न आता है जिसमें उसके इस ज्ञान का वह व्यक्ति मर चुका है और उसकी उसे पुनः जीवित देखने की इच्छा का बड़ा अजीब मिश्रण होता है। कभी कभी मृत व्यक्ति स्वप्न में मृत और साथ ही जीवित दिखाई देता है। जीवित इसलिए क्योंकि वह यह नहीं जानता कि वह मर चुका है। मानो वह तब ही सचमुच मरेगा जब वह इस बात को जान लेगा। कभी कभी वह आधा मरा और आधा जिंदा होता है और इन दोनों दशाओं के सूचक चिन्ह अलग अलग दिखाई देते हैं। आप इन स्वप्नों को निरे अर्थहीन नहीं कह सकते क्योंकि परियों की कहानियों की तरह जिनमें मरने के बाद फिर जिंदा हो जाना बिल्कुल आम बात है स्वप्नों में भी यह अग्राह नहीं हो सकता। जहाँ तक मैं ऐसे स्वप्नों का विश्लेषण कर सकता हूँ मुझे यह प्रतीत हुआ है कि उनकी तर्क संकट व्याख्या की जा सकती है। मृत व्यक्ति को वापस बुलाने की पवित्र इच्छा बड़े अजीबोगरीब रूपों में अपने आप को प्रकट करती है। मैं आपके सामने इस तरह का एक स्वप्न पेश करूंगा जो निश्चित ही बड़ा अजीब और बेतुका लगता है और जिसके विश्लेषण से हमारे सिद्धांत विवेचन में पहले आई हुई बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। स्वप्न दृष्टा का पिता कुछ वर्ष पहले गुजर गया था। मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी पर उसे जमीन में गाड़ दिया गया था और वह बीमार दिखाई देता था। वह जीवित रहा और मैंने भरसक कोशिश की कि वह यह बात ना देख सके। उसके बाद स्वप्न में और बातें आ जाती हैं जिनका कोई सीधा संबंध पहली बातों से नहीं मालूम पड़ता। यह तथ्य कि पिता मर गया था हम जानते हैं पर असल में उसे गाड़ा नहीं गया था असल में आगे होने वाली बातों से इस प्रश्न का कुछ भी संबंध नहीं है कि असली तथ्य क्या था। पर स्वप्न देखने वाले ने कहा आगे कहा कि अपने पिता के अंतिम संस्कार से लौटने के बाद उसका एक दांत दर्द करने लगा। वह यहूदी धर्म वचन यदि तेरा दांत तुझे तंग करे तो उसे निकाल दे के अनुसार चलना चाहता था। उसका चाचा स्वप्न का कार्य
और इसलिए दांत निकालने वाले के पास गया और दांत निकालने वाले ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा धीरज रखो। दांत निकालने वाले ने कहा कुछ लगा कर स्नायु को संज्ञाहीन कर दूंगा और 3 दिन बाद तुम आना, तब मैं इसे निकाल दूंगा। यह निकालना स्वप्न दृष्टा एकाएक बुरा ही गावना है। क्या उसका कहना सही था? सच है कि यहाँ ठीक सादृश्य नहीं है, क्योंकि दांत नहीं निकाला गया बल्कि उसका सिर्फ एक मोदा अंश निकाला गया है। पर अनुभव से हमें यह पता चलेगा कि इस तरह की गलतियां स्वप्न तंत्र पैदा करता है। हम यह कल्पना करते हैं कि स्वप्न दृष्टा ने संघनन के प्रक्रम द्वारा मृत पिता और दांत को, जो मरा हुआ था फिर भी मौजूद था, मिलाकर एक कर लिया था। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि स्वप्न दृष्टा स्वप्न व्यक्त स्वप्न में बेतुकापन आ गया, क्योंकि स्पष्ट दांत के बारे में ऐसी मैं सारी बात पिता पर लागू नहीं हो सकती। तब फिर पिता और दांत दोनों में ऐसी सामान्य बात कौन सी है जिससे इनकी तुलना हो सके? ऐसी कोई बात अवश्य वही होगी, क्योंकि स्वप्न दृष्टा ने आगे बताया कि मैं इस कहावत से परिचित हूँ कि यदि किसी को एक दांत टूटने का स्वप्न आए तो उसका अर्थ यह है कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति विदा होने वाला है। हम जानते हैं कि आम प्रचलित निर्वचन गलत है, यह एक बड़ी विकट अर्थ में ही सही है। इसलिए हमें सचमुच यह पता लगाने पर और भी आश्चर्य होगा कि स्वप्न वस्तु के अन्य अवयवों के पीछे इस प्रकार संकेत से सूचित की गई बात क्या है। इसके बाद बिना किसी अनुरोध के स्वप्न दृष्टा अपने पिता की बीमारी और मृत्यु के तथा अपने और अपने पिता के संबंधों के बारे में बातचीत करने लगा। बीमारी बहुत लंबी चली थी और पिता की देखभाल और इलाज में पुत्र को बहुत धन खर्च करना पड़ा था, पर उसे वह खर्च भारी नहीं मालूम हुआ। न उसने कभी धीरज छोड़ा और न उसके मन में यह इच्छा हुई ही हुई कि पिता का अंत जल्दी आ जाए। उसे अपने सच्चे यहूदियों के योग्य पितृभक्ति पर और यहूदी धर्म का पूरी तरह पालन करने पर अभिमान था। क्या यहाँ हमें स्वप्न से संबंधित विचारों में कोई परस्पर विरोध अनुभव नहीं होता? उसने दांत और पिता को एक बताया था। वह यहूदी धर्म के अनुसार ही दांत को निकाल डालना चाहता था। यहूदी धर्म कहता है कि दर्द करने वाले दांत भी निकाल देना चाहिए। वह अपने पिता से भी धर्म के आदेश के अनुसार ही व्यवहार करना चाहता था। पर यहाँ धर्म का आदेश यह था कि उसे खर्च और परेशानी की परवाह नहीं करनी चाहिए, सारा बोझ अपने ऊपर लेना चाहिए और अपने मन से अपनी परेशानी के कारण कोई विरोध बात नहीं आदे देनी चाहिए। क्या दोनों परिस्थितियों में तब अधिक इच्छा अच्छा मेल ना होता यदि उसने अपने रोगी पिता के प्रति भी धीरे धीरे सचमुच वही भावनाएं अपनाई होती जो उसने अपने रोगी दांत के प्रति अपनाई थी? अर्थात यदि उसने मृत्यु से यह चाहा होता कि उसके पिता के अनावश्यक कष्टकाल और महंगे जीवन का जल्दी खात्मा कर दे। मुझे जवाबी संदेह नहीं कि असल में लंबी बीमारी में अपने पिता के प्रति उसका यही भूख रहा था और दिखावटी तौर से उसका अपनी प्रतिभक्ति पर जोर देना इस तरह की स्मृतियों को अपने मन से दूर रखने के उद्देश्य से था। इस तरह की अवस्थाओं में पिता की मृत्यु की इच्छा पैदा हो जाना और उसे कोई ऐसा करूं उद्गार प्रकट करके जैसे इससे वह कष्ट से मुक्त हो जाएगा, छिपाना कोई असामान्य बात नहीं है। पर मैं विशेष रूप से आपको यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ गुप्त विचारों में ही एक बाधा दूर हो गई है। हम निश्चित रूप से मान सकते हैं कि विचारों का पहला भाग सिर्फ अस्थायी रूप से अचेतन था, अर्थात स्वप्न तंत्र के वास्तविक प्रक्रम के समय वह अचेतन था, और दूसरी ओर पिता के प्रति भावनाएं संभाव्य स्थायी रूप से और हो सकता था। हर की बचपन से ही विरोधी थी और पिता की बीमारी के दिनों में मानो डरते डरते और छिपे रूप में ये चेतना में घुस आई थी। यह बात अन्य गुप्त विचारों के बारे में जो असंदिग्ध रूप से स्वप्न की वस्तु के सहायक हुए हैं हम और भी अधिक निश्चय के साथ कह सकते हैं। यह सच है कि इसमें पिता के प्रति विरोधी भावनाओं की कोई संकेत नहीं है, पर जब हम बच्चे के जीवन में इन विरोधी भावों के उद्गम की खोज करते हैं तब हमें यह याद आता है कि पिता का भय इस कारण उत्पन्न होता है कि जीवन के आरंभिक वर्षों में वह ही लड़के की यौन चेष्टाओं का विरोध करता है, जैसा कि उसे पुत्र में जवानी आने के बाद सामाजिक दृष्टि से प्रायः मजबूरन करना पड़ता है।
हमारे स्वप्न दृष्टा का अपने पिता से यह संबंध था। उसके पितृप्रेम से आदर और भय मिले हुए थे और इस भय का मूल यह था कि शुरू में यौन चेष्टाओं से बचने के लिए उसे डराया गया। स्वप्न की अगली बातों की व्याख्या अब हम स्वयं रति ग्रंथि से कर सकते हैं। वह बीमार लगता था। यह दांत के डॉक्टर के इस कथन का कि इस जगह से दांत का हट जाना अच्छा नहीं लगता निर्देश था, पर यह साथ ही उस बीमार अर्थात बुरा लगने का भी निर्देश था जिससे वह युवक अपनी तरुणाई के दिनों में अपनी अत्यधिक यौन चेष्टाओं को प्रदर्शित करता या उनकी प्रदर्शित हो जाने से डरता है। स्वप्न दृष्टा ने अपना दिल हल्का करने के लिए व्यक्त स्वप्न में पिपाही का रूप अपने ऊपर से हटाकर अपने पिता पर पहुंचा दिया था। आप जानते ही हैं इस तरह का अपवर्तन या विस्थापन अर्थात कोई बात किसी स्थान से हटाकर दूसरी जगह पहुंचा देना स्वप्न तंत्र की एक युक्ति है। यह बात किया जिंदा रहा पिता को फिर जीवित देखने की इच्छा तथा दांत डॉक्टर के दांत को बचाने के बाद इन दोनों से मेल खाती है। यह कथन कि मैंने भरसक कोशिश की कि वह उसे देख ना सके, वह सूक्ष्म तरीके से हमें यह बात इस तरह पूरी करने के लिए प्रेरित करता है कि वह मृत था पर उनको ऐसे ढंग से पूरा करने का कि उसका सचमुच कुछ अर्थ बन जाए जो एकमात्र तरीका है, वह भी हमें स्वयं गति ग्रंथि की सूचना देता है। क्योंकि यह सामान्य बात है कि वह नौजवान अपने यौन जीवन को अपने पिता से छिपाने की भरसक कोशिश करे। अंत में मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि तथाकथित दांत दर्द के स्वप्न सदा स्वयं गति और इसकी आशंकित सजा का ही निर्देश करते हैं। आपने देखा है कि किस तरह यह समझ में ना आने वाला स्वप्न एक विशेष प्रकार के और भ्रम में डालने वाले संघन द्वारा उसमें उन सब विचारों का विरोध कर देता है जो गुप्त विचार स्वयं के असली केंद्र से संबंधित है और जो विचार सबसे गहरे और समय की दृष्टि से सबसे दूर वाले थे उन्हें निरूपित करने के लिए दो तरह के अर्थों वाली स्थानापन्न रचनाएं पैदा करके बना है। हम उन विशेषताहीन और तुच्छ स्वप्नों की जड़ तक पहले पहुंचने की बार बार कोशिश कर चुके हैं और जिनमें कोई बेतुकी या अजीब बात नहीं होती बल्कि जिनसे यह प्रश्न पैदा होता है हमें ऐसी तुच्छ बातों का स्वप्न क्यों आता है। इसलिए मैं इस तरह का एक नया उदाहरण दूंगा जिसमें एक दूसरे से जुड़े हुए तीन स्वप्न जो एक युवती महिला ने एक ही रात में देखे थे। वह अपने मकान में अपने हॉल में से गुजर रही थी कि उसका सिर एक नीचे लटकते हुए फानूस से इतने जोर से टकराया कि सिर से खून निकल आया। इस घटना से उसे ऐसी किसी बात का ध्यान नहीं आया जो सचमुच हुई हो। उसका कथन बिल्कुल दूसरी दिशा में जाता। आप देखते हैं कि मेरे बाल कितनी बुरी तरह झड़ गए हैं। कल मेरी माँ ने मुझसे कहा था बेटी यदि ऐसे ही चलता रहा तो तेरा सिर शीघ्र ही तेरे नितंब की तरह केशहीन हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं किसी शरीर के दूसरे सिरे का सूचक है। फानूस के प्रतीक को समझने के लिए और किसी मदद की जरूरत है। लंबे हो सकने वाले सब पदार्थ पुरुष लिंग के प्रतीक होते। इस प्रकार स्वप्न का वास्तविक विषय सिसन के स्पर्श से शरीर के निचले सिर पर होने वाला रक्त स्राव है। इसके और अर्थ भी हो सकते हैं। स्वप्न दृष्टा के और साहचरणों से पता चलता है कि इस स्वप्न का इस धारणा से संबंध है कि मासिक धर्म पुरुष के साथ संभोग करने से पैदा होता है। यौन विषयों में यह धारणा कच्ची उम्र की लड़कियों में आमतौर पर मिल जाती है। स्वप्न दृष्टा ने देखा कि एक अंगूरी के बाग में एक गहरा गड्ढा है जिसके बारे में वह जानती थी कि वह एक पेड़ के उखड़ने से बना है। इस मामले में उसने बताया कि पेड़ गायब था जिसका अर्थ यह हुआ कि उसने स्वप्न पेड़ नहीं देखा, परंतु इन्हीं शब्दों से एक दूसरा विचार भी प्रकट होता जिससे हमें उसके प्रतीकात्मक निर्वचन के बारे में कोई संदेह नहीं रहता। यह स्वप्न यौन विषयों में एक और बालकों की सी धारणा अर्थात इस धारणा का निर्देश करता है कि शुरू में लड़कियों की जननेन्द्रियां लड़कों जैसे ही थी और इस अंग का बाद वाला रूप लिंग विच्छेद पेड़ उखड़ने से बना। स्वप्न दृष्टा अपनी मेज की दराज के आगे खड़ी थी जिसे वह इतनी अच्छी तरह जानती है कि यदि उसे कोई छुए तो उसे तुरंत पता चल जाएगा। मेज की दराज भी और सभी दराजों तिजोरियों और संदूकों की तरह स्त्री जननेन्द्रिय की प्रतीक है। वह जानती थी कि संभोग या उसके अनुसार कोई भी स्पर्श होने पर जननेन्द्रिय इस बात के कुछ संकेत प्रकट करती हैं और उसे बहुत समय से इस बात की दोषी समझे जाने का भय था। मैं समझता हूँ इन तीनों स्वप्नों में मुख्य बल जानने पर उसके मन में वह समय था जब वह यौन विषयों में बाल बुद्धि से खोजबीन किया करती थी जिसके परिणामों पर उसे उस समय बड़ा अभिमान था। प्रतीकात्मकता का एक और उदाहरण देखिए।
पर इस बार मैं उस मानसिक स्थिति का भी संक्षेप में उल्लेख करूंगा जिसमें वह स्वप्न पैदा हुआ। एक पुरुष और एक स्त्री जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं एक रात इकट्ठे गुजारे। पुरुष ने उसका स्वभाव मातृत्वपूर्ण बताया। वह उन स्त्रियों में थी जिसकी संतान प्राप्ति की इच्छा आलिंगनों के समय बलात् प्रकट हो जाती है, परंतु उनकी मिलन की अवस्थाओं में यह सावधानी रखना आवश्यक था कि बीवी को गर्भ में जाने से रोका जाए। अगले दिन सवेरे उठने पर उसने यह स्वप्न सुनाया। एक लाल टोपीधारी अफसर गली में उसका पीछा कर रहा था। वह उससे बचकर भागी और सीढ़ियों पर चढ़ गई और पीछे पीछे वह भी आ गया। वह दम साधे अपने कमरे में पहुंची और उसने अपने पीछे के दरवाजे को बंद करके ताला लगा दिया। वह आदमी बाहर रहा और उसने दरवाजे के छेद में से झांक कर देखा कि वह बाहर बेंच पर बैठा वो रहा था। लाल टोपी वाले अफसर का पीछा करना और उसका दम साधे हुए सीढ़ियों पर चढ़ जाना, जैसा कि आप जानते हैं, संभोग काल को निरूपित करता है। स्वप्न देखने वाली का दरवाजा बंद करके अपना पीछा करने वाले को बाहर रोक देना आप परिवर्तन अभिस्थापन की युक्ति का एक उदाहरण है। इसी प्रकार जिसका स्वप्नों में इतना अधिक प्रयोग होता है क्योंकि वास्तव में पुरुष ही संभोग कार्य पूरा करने से पहले हटा था, इसी प्रकार उसने अपने मन के दुख की भावना को अपने साथी पर डाल दिया क्योंकि वही स्वप्न में रोता है, साथ ही उसके आंसू वीर का भी निर्देश करते हैं। आपने यह बात निश्चित ही कभी ना कभी सुनी होगी कि मनोविश्लेषण के अनुसार हर सारे स्वप्न मैथुनार्थक होते हैं। अब आप इस निंदा के झूठ होने के बारे में स्वयं अपनी राय बना सकते हैं। आप इच्छा पूर्ति स्वप्नों के बारे में जिनमें प्राथमिक आवश्यकताओं भूख प्यास और आजादी की चाह की संतुष्टि होती है, सुविधा स्वप्नों और अधैर्य स्वप्नों तथा ऐसे स्वप्नों के बारे में जो स्पष्टता लोभ और अहंकार सूचित करते हैं सुन चुके हैं, पर यह बात आप निश्चित रूप से याद रख सकते हैं कि मनोविश्लेषण के परिणामों के अनुसार वे स्वप्न जिनमें विपर्यास की मात्रा काफी होती है मुख्यता पर यहाँ भी अनन्यता नहीं मैथुन संबंधी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। स्वप्नों में प्रतीकों के उपयोग के बहुत से उदाहरण मैं एक विशेष विचार दे रहा हूं। अपने पहले व्याख्यान में मैंने यह कठिनाई बताई थी कि मेरे कथनों को इस तरह प्रत्यक्ष प्रदर्शित नहीं किया जा सकता कि आपको मनोविश्लेषण की जांच के परिणामों पर विश्वास हो जाए, और अब तक आप मुझसे निसंदेह सहमत हो गए होंगे, परंतु मनोविश्लेषण की अलग अलग स्थापनाएं फिर भी इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं कि किसी भी प्रश्न पर विश्वास और निश्चय हो जाने पर सारे सिद्धांत के अधिकतर भाग को आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। मनोविश्लेषण के बारे में यह कहा जा सकता है कि यदि आप इसे अपनी कनिष्ठा का पकवाएंगे तो शीघ्र ही यह आपका पहुंचा पकड़ देगी। यदि गलतियों की व्याख्या को आप संतोषजनक मानते हैं तो तर्क का तकाजा है कि बाकी सारी बातों में भी आप अविश्वास ना करें। स्वप्न प्रतीकात्मकता भी इसी तरह इन बातों को स्वीकार करने में सहायता पहुंचाती है। मैं आपको एक गरीब वर्ग की औरत का स्वप्न सुनाऊंगा जो प्रकाशित हो चुका है। इस औरत का पति चौकीदार था और मनोविश्लेषण का नाम भी कभी नहीं सुना था। तब आप स्वयं यह फैसला कर सकते हैं कि यौन प्रतीकों की मदद से निकाले गए अर्थ को मनमाना या खींचतान से निकाला गया कहना उचित है या नहीं। तब कोई सेंध लगाकर मकान में घुस आया और उसने डर के मारे चौकीदार को आवाज लगाई, पर चौकीदार दो आवारा गर्दों के साथ एक चर्च में चला गया जिसमें कई सीढ़ियां चढ़कर जाया जाता था। चर्च के पीछे एक पहाड़ था और पहाड़ पर एक घना जंगल। चौकीदार ने लोहे का टोप कर एक कवच और चोंगा पहन रखा था और उसने उसकी बूढ़ी दाढ़ी रह रहा रही थी। उसके साथ जो दो आवारा गर्द शांतिपूर्वक गए थे वे चोंगे पहने हुए थे जो उनके घोड़ों पर बोरों की तरह लिपटे हुए थे। एक पगडंडी
चर्च से पहाड़ की ओर जाती थी और उसके दोनों ओर ऊंची ऊंची घास और झाड़ियां थी जो अधिकाधिक घनी होती जाती थी और पहाड़ की चोटी पर बाकायदा जंगल था। आप यहाँ उपर्युक्त प्रतीकों को बिना परेशानी के पहचान जाएंगे। तीन व्यक्तियों को देखने से निरूपित हुआ है और स्त्री के यौन अंग चर्च पहाड़ और जंगल से युक्त दृश्य से निरूपित हुए हैं और सीढ़ियों पर चढ़ने का कार्य यहाँ भी संभोग कार्य का प्रतीक है। शरीर का जो भाग स्वप्न में पहाड़ कहा गया है उसे शरीर शास्त्र में भी कामाचल कहते हैं। अब मैं आपको एक और स्वप्न बताऊंगा, उसकी व्याख्या भी प्रतीकों के द्वारा ही की जाएगी। इसके अलावा यह स्वप्न इस दृष्टि से अधिक ध्यान देने योग्य और विश्वास पैदा करने वाला है कि स्वप्न दृष्टा ने स्वयं सब प्रतीकों का अनुवाद कर दिया है, यद्यपि इसे निर्वचन के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी। ऐसी परिस्थिति बहुत कम पैदा होती है और हम ठीक ठीक नहीं समझ सकते कि यह किन अवस्थाओं में होती है। वह अपने पिता के साथ एक स्थान पर घूम रहा था जो प्रेटर वियना का मुख्य पार्क ही होगा, क्योंकि उन्होंने गोलघर और उसके सामने एक छोटा मकान देखा जिसमें एक गुब्बारा कैद था जो सुस्त मालूम होता था। उसके पिता ने उससे पूछा कि यह सब किस लिए है। पुत्र को उसके पूछने पर आश्चर्य हुआ पर फिर भी उसने कुछ स्पष्टीकरण किया। उसके बाद वे एक आंगन में आए। धातु की एक बड़ी चादर फैली हुई थी। उसका पिता उसमें से एक बड़ा टुकड़ा काट लेना चाहता था पर उसने पहले चारों तरफ देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। उसने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें सिर्फ ओवरसियर से कहने भर की जरूरत है और उसके बाद तुम इसे यूं ही ले जा सकते हो। इस आंगन से कुछ सीढ़ियां नीचे एक डंडे की ओर जाती थी। इस डंडे के पार्श्वों पर कोई नरम वस्तु लगी हुई थी जैसे वह चमड़े की आराम कुर्सी हो। इस डंडे के नीचे एक लंबा चबूतरा और उससे पर एक और डंडा था। स्वप्न दृष्टा ने इस स्वयं यह अर्थ बताया गोलघर मेरी जननिनियों का प्रतीक है और उसके सामने वाला कैदी गुब्बारा सिसन का प्रतीक है जिसके ढीला या नरम होने की मुझे शिकायत है। इसका अधिक विस्तृत अनुवाद इस प्रकार है। गोलघर नितंबों का प्रतीक है जिसे बच्चे सदा जननिंदियों में शामिल करते हैं और सामने का यह छोटा मकान अंडकोश है। स्वप्न में उसका पिता इससे पूछता है कि यह सब क्या है, अर्थात जननिंदियों का प्रयोजन और कार्य क्या है। इस स्थिति को अवगत अर्थात उल्टा करना जिससे यह हो कि पुत्र सवाल पूछे सीधी बात है और ये सवाल असल में कभी नहीं पूछे गए। इसलिए हमें स्वप्न विचारों को या तो अभिलाषा मानना चाहिए या उन्हें इस तरह सशर्त अर्थ में लेना चाहिए। यदि मैं अपने पिता से इसकी व्याख्या करने के लिए कहता इस विचार का बाद का हिस्सा हम अभी देखेंगे। जिस आंगन में धातु की चादर पड़ी है उसकी प्रतीकों द्वारा व्याख्या नहीं करनी है बल्कि वह पिता के कारोबार के स्थान का निर्देश है। समझदारी के ख्याल से मैंने उसकी बताई हुई असली चीज की जगह धातु की चादर कर दी है पर इसके अलावा स्वप्न के शब्दों में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। स्वप्न दृष्टा अपने पिता के कारोबार में शामिल हुआ था और जिन बहुत आपत्तिजनक कार्यों पर अधिक लाभ का दारोमदार था उनसे वह लज्जित हुआ था। इसलिए इस स्वप्न विचार का ऊपर निर्दिष्ट पिछड़ा हिस्सा इस प्रकार होगा। यदि मैं उससे पूछता तो वह मुझे भी वैसे ही धोखा देता जैसे अपने ग्राहकों को देता है। स्वप्न दृष्टा धातु का टुकड़ा तोड़ने की जो व्यापार की बेईमानी का प्रतीक है एक दूसरी व्याख्या पेश करता है। वह कहता है इसका अर्थ है हस्त मैथुन दृष्टा। यह व्याख्या न केवल हमारी पूर्व परिचित है बल्कि इस निर्वचन के लिए के भी अनुसार है कि हस्त मैथुन के गुप्त कार्य को उल्टे विचार हम इसे खुलेआम कर सकते हैं द्वारा प्रकट किया जाए। इस प्रकार यह तथ्य कि हस्त मैथुन का आरोप पिता पर लगाया जाए जैसे कि स्वप्न के पहले दृश्य में पूछने को उसके साथ जोड़ा गया था ठीक वैसा ही जैसा कि हमें आशा करनी चाहिए। स्वप्न दृष्टा ने दीवारों की मुलायम स्पर्श के साथ डंडे का तुरंत योनि बताया और मैं अपनी ओर से यह कहता हूँ कि ऊपर जाना नीचे जाना मैथुन कार्य या संभोग का सूचक है। पहले डंडे के नीचे और दूसरे डंडे की परली और वो वाले लंबे चबूतरे की व्याख्या स्वप्न दृष्टा ने अपने इतिहास से स्वयं की। वह कुछ समय संभोग करता रहा था उसके बाद निरोधों के कारण उसने उसे छोड़ दिया और इलाज कराकर वह फिर इसे करने योग्य बनने की आशा करता था। नीचे मैं ऐसे स्वप्न पेश करता हूँ जो उल्लेखनीय है कि बहुपत्नी प्रवृत्तियों वाले एक विदेशी कुमार थे क्योंकि उनसे इस कथन का स्पष्टीकरण हो सकता है कि प्रत्येक स्वप्न दृष्टा का अपना व्यक्तित्व मौजूद होता है चाहे वह व्यक्त वस्तु में छिपा हुआ ही क्यों ना हो। स्वप्नों में संदूक स्त्री प्रतीक है। स्वप्न दृष्टा एक यात्रा करने वाला था। उसका सामान एक गाड़ी में स्टेशन ले जाया जा रहा था। उसमें एक दूसरे के ऊपर बहुत से संदूक
लदे हुए थे और उनमें दो बड़े काले संदूक वैसे थे जैसे कि एजेंटों के पास होते हैं। उसने दिलासा देते हुए किसी से कहा, देखो बे सिर्फ स्टेशन तक जा रहे हैं। असल में बहुत सारे सामान के साथ सफर करता है और इलाज में स्त्रियों संबंधी बहुत से किस्से सुना। दो काले संदूक दो काले स्त्रियों के प्रतीक हैं जो उस समय उसके जीवन में प्रमुख स्थान रखती थी। उनमें से एक उसके साथ वियना आना चाहती थी पर मेरी सलाह से उसने उसे तार द्वारा आने से रोक दिया। चुंगी घर का एक दृश्य। एक सहयात्री ने उसका संदूक खोला और बेतकल्लुफी से सिगरेट पीते में चुंगी योग्य कोई चीज नहीं। चुंगी अधिकारी उस पर विश्वास करता मालूम लिया पर उसने फिर संदूक में हाथ डाला और एक सख्त निषिद्ध चीज उसमें निकाली। तब यात्री ने लाचारी के ढंग से कहा, क्या कहूँ इसके लिए लाचार हूँ। स्वप्न दृष्टा स्वयं यात्री है और मैं चुंगी अफसर हूँ। साधारणतया वह मेरे साथ बहुत साफ और सीधा रहता है पर उसने एक नया संबंध जो उसने हाल में ही एक महिला के साथ स्थापित किया था मुझसे छिपाने का पक्का इरादा किया था क्योंकि उसकी कल्पना थी और बिल्कुल ठीक थी कि मैं उस महिला को जानता था। वह इस चीज के पता लग जाने से उत्पन्न दुविधा और परेशानी की स्थिति एक अपरिचित पर डाल देता है जिससे यह प्रतीत होता है कि वह स्वयं स्वप्न में बिल्कुल नहीं आता। अब मैं एक ऐसे प्रतीक का उदाहरण देता हूँ जिसका मैंने अब तक उल्लेख नहीं किया। स्वप्न दृष्टा को अभी उसकी बहन मिली जिसके साथ उसकी दो सहेलियां थी जो आपस में बहने थी। उसने उन दोनों से हाथ मिलाया पर अपनी बहन से नहीं मिलाया। उसके साथ संबंधित कोई असली घटना उसके मन में नहीं थी। असल में उसके विचार उस समय में पहुंच गए थे जब उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ करता था कि लड़कियों की छातियां इतनी देर में क्यों बहती हैं। इसलिए दो बहनें छातियों की प्रतीक हैं। वह उन्हें अपने हाथ से पकड़ना पसंद करता यदि वह उसकी बहन न होती। स्वप्नों में मृत्यु प्रतीकात्मकता का एक उदाहरण है। स्वप्न दृष्टा एक बहुत ऊंचा सीधा लोहे का पुल पार कर रहा था और उसके साथ दो आदमी थे जिनके नाम वह जानता था पर जागने पर भूल गया। यकायक भी दोनों गायब हो गए और उसने एक भूत जैसा आदमी देखा जिसने टोपी और बवा पहन रखा था। उसने उससे पूछा कि क्या तुम तार घर के हरकारे हो, नहीं या गाड़ी वाले हो। उसने जवाब दिया नहीं। उसके बाद वह आगे गया और सपने में उसे बवा डर रहा। जागने पर वह यह कल्पना करने लगा कि लोहे का पुल यकायक टूट गया और वह गहरे गड्ढे में जा गिरा। जब इस बात पर बल दिया जाता है कि स्वप्न में दिखाई दिए व्यक्ति स्वप्न दृष्टा के अपरिचित हैं या उसके नाम भूल गया है तब साधारणतया वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके साथ उनका घनिष्ठ संबंध होता है। स्वप्न दृष्टा के परिवार में 3 बच्चे थे। यदि उसने शेष 2 बच्चों की मृत्यु की कामना की होती तभी उसे मृत्यु का भय लगना चाहिए। तार के हरकारे के बारे में उसने कहा कि वे सदा बुरी खबरें लाते हैं। अपनी वर्दी के अनुसार स्वप्न में दिखाई दिया मनुष्य रैंप जलाने वाला भी हो सकता था जो रैंप बुझाता भी है क्योंकि मृत्यु जीवन की रोशनी को बुझाती है। गावी वाले के बारे में उसके मन में राजा कौल की जल यात्रा के विषय में उलैंड की कविता थी। उसने 2 साथियों के साथ एक झील पर की गई खतरनाक यात्रा का भी स्मरण किया जिसमें उसने कविता में वर्णित राजा का अभिनय किया था। लोहे का पल उसे हाल की दुर्घटना की ओर उस मुक्तापूर्ण कहावत की याद दिलाता था, जीवन एक लटका हुआ पुल है। वह मृत्यु स्वप्न का एक उदाहरण माना जा सकता है। कोई अपरिचित सज्जन स्वप्न दृष्टा के ऊपर काली किनारी वाली विजिटिंग कार्ड डाल रहा है। अब मैं आपके सामने एक और स्वप्न वक्ता हूँ जो कई दृष्टियों से दिलचस्प लगेगा परंतु इसका आंशिक कारण स्वप्न दृष्टा में स्नायु अवस्था का होना है। वह एक रेलगाड़ी में था जो खुली जगह रुकी। उसने सोचा कोई दुर्घटना होने वाली है और इसलिए मुझे भाग निकलना चाहिए। अतः सब डिब्बों में जाकर उसने गार्ड ड्राइवर आदि जो भी कोई मिला सबको मार डाला। इस स्वप्न से उसे एक दोस्त द्वारा सुनाई गई कहानी याद आई। किसी इटालियन रेलवे लाइन पर एक छोटे डिब्बे में एक पागल आदमी को ले जाया जा रहा था पर गलती से एक मुसाफिर को उस डिब्बे में आ जाने दिया गया। पागल आदमी ने दूसरे यात्री की हत्या कर दी। इस प्रकार स्वप्न दृष्टा ने अपने आप को एक पागल आदमी बना दिया। उसका कारण यह था कि उसे कभी कभी इस मनोग्रस्तता से परेशानी होती थी।
कि मुझे उन सब के साथ जिन्हें मेरी बातों का ज्ञान है भाग जाना चाहिए। उसके बाद उसने स्वयं स्वप्न का अधिक अच्छा प्रयोजन तलाश किया। पिछले दिन उसने थिएटर में एक लड़की को देखा था जिसे वह विवाह करना चाहता था, पर उसने अपना यह विचार त्याग दिया था क्योंकि उस लड़की ने उसके लिए ईर्ष्या का कारण पैदा किया। ईर्ष्या उसमें कितनी तीव्र रूप में हो सकती थी, यह जानने पर भी वह उसे शादी करने की इच्छा रखता तो सचमुच पागल हो जाता। कहने का मतलब यह है कि वह उसे इतना अविश्वसनीय समझता था कि ईर्ष्या के कारण वह अपने रास्ते में बोआ डालने वाले हर किसी की हत्या कर देता। कई कमरों में से या यहाँ की तरह डिब्बों में से गुजरना, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, विवाह का प्रतीक है। विरोधी बातों के नियम के अनुसार यह एक पत्नीत्व को प्रकट करता है। खुली जगह में गाड़ी के रुकने और दुर्घटना के भय के बारे में उसने यह किस्सा सुनाया। एक बार स्टेशन से बाहर रेलवे लाइन पर इस तरह एकाएक गाड़ी रुकने पर डिब्बे में बैठी एक नव युवती ने कहा था कि शायद गाड़ी में टक्कर होने वाली है और सबसे अच्छा यह होगा कि टांगे ऊंची उठा ली जाए। टांगे उठाना पदावली के साथ उसके देहात में बहुत बार की गई यात्राओं के सहचर्य थे, जिनमें वह ऊपर बताई गई लड़की के साथ अपने प्रेम के आरंभिक सुखमय दिनों में गया था। यह इस बात के लिए कि यदि वह उससे अब विवाह करे तो पागल हो जाएगा। एक और युक्ति है, तो भी स्थिति को देखकर मेरा यह निश्चित विचार बना कि उसमें तब भी पागलपन का शिकार होने की इच्छा थी। थैंक यू वेरी मच।